का पार्ट बना के तरीके से आइस का शेप ड्रॉ करोगे। आइस की शेप के बाद आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, और यहाँ से देखो इसकी आईब्रो आपकी इस तरीके से जा रही है ऊपर, तो आप यहाँ पर ऐसे छोटी लाइन ड्रॉ करो। इसके अंदर आपका दूसरा सर्कल आ जाएगा। आपका लेंस आ गया, लेंस के पास में एक छोटा सा और लेंस का शेडो आ रहा है। इस शेडो के बाद आप इसके इस पोर्शन को डार्क कर दो। इतने पोर्शन के बाद इस आई में आपका यहाँ पे भी डार्क पार्ट है। तो आप इसको डार्क करोगे। यहाँ पे जो है वो लाइट पार्ट है। यहाँ पे भी कंपैरेटिवली लाइट है। इसको पूरा डार्क कर दोगे। आइस का ये वाला पार्ट आपका ऑलरेडी डार्क हो गया, मैंने बोला ये वाला पार्ट हमेशा डार्क रहेगा। तरीके से ये वाला पार्ट शेड हो गया। ये वो एरिया होती है जो हमारे आईज के नीचे थोड़ी सी उठी हुई एरिया होती है। यहाँ पे बहुत लाइट शेडिंग आती है। इस पार्ट में भी बहुत लाइट शेडिंग आती है और इस पार्ट में भी लाइट शेडिंग आती है। और ये हो गई हमारी आईब्रोज की हेयर। हम नेक पर लाइन इमेजिनरी लाइंस बनाई और अब हम इसको तरीके से, और अब आप साइज में जितना भी डार्क पार्ट है डार्क पार्ट आप शेडिंग करके कर लो।
तरीके से शेडिंग हो गई और अब आप इसके आई लैशेज बना दो। In this way, your both the eyes and are completed, and the basic of an eye is also completed. Now we are going to make one side eyes position. और side eyes में जो eyes का part आता है वो इस तरीके से V shape में आ जाता है। साइड आइज में ये जो हमारा आइस का बॉल होता है ये थोड़ा ओवल शेप में आ जाता है। ये आइस के ऊपर का पार्ट का शेप टर्न हो गया। यहां पर बन जाती है हमारी आईब्रोज। इसके अलावा ये होता है इसमें नीचे का पार्ट। तो इस तरीके से बनती है हमारी साइड की आईज। अब इसकी डिटेलिंग हम कैसे करते हैं, ये वाला पार्ट तो ऑटोमेटिकली इसमें भी डार्क आता है। के अंदर ये पार्ट इस तरीके से बन जाता है। ये पूरा पार्ट बन गया। इस पार्ट में ये लेंस यहाँ आ जाएगा हमारा और बाकी जगह हमारी डार्क शेडिंग हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी लाइट शेडिंग हो जाएगी। और ये वाला जो पार्ट होता है की बॉल का ये भी डार्क आता है। ये मर्ज होके लाइट शेडिंग आ गई। बाद यहाँ पे आपकी थोड़ी सी शेडिंग पार्ट आ जाता है, ये आपका शेडिंग का पार्ट है। शेडिंग के पार्ट के ऊपर ये आपकी आईब्रोज आ जाते हैं। और यहाँ से आपके आईलैशेज आ जाते हैं जो साइड में आपके दो तीन दिखते हैं बस। और इसी तरीके से यहाँ से आपके ऊपर के थोड़े से आईलैशेज दिखते हैं। यहाँ पर साइड में के अलावा यहाँ पे थोड़ी सी आपकी शेडिंग आएगी लाइट सी। और अब आप इसके पूरे पार्ट को डार्क कर लो।
In this way, your side eyes is completed. We have done 3 eyes out of 5 eyes, and you are going to make all the 5 eyes and send images to me.